जी हमने बहुत ही क्रिस्पी किस्म की बहुत मज़ेदार फिश फ्राई की है। किस तरह बनाई है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, साथ में हरी चटनी भी है और एक गुलाब का फूल भी, तो बताते हैं आपको सब कुछ। लेकिन इससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को एंड तक देखना है, आपने स्किप नहीं करना। फीडबैक में ज़रूर बताना है रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक तो लाजमी करना है आपने। तो चलिए फ़िश फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुश खुरम होंगे। आज मछली फ्राई हो रही है तो इसके लिए मैंने ली है मछली, तकरीबन 500 ग्राम मछली है ये। इसको मैंने धो लिया है, पानी निचोड़ लिया है इसका, और इसकी बू ख़त्म करने के लिए इसको थोड़े से आटे में, 2-3 चम्मच आटे में पानी डालकर घोल लिया मैंने, और उसको 5 मिनट के लिए उसमें डुबो के रख दिया। इस तरह से करने से जो है इसकी जो एक ख़ास स्मेल होती है मछली की, एक जो उसकी, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे ज़्यादा आपने नहीं डुबोना, सिर्फ 5 मिनट डुबोना है आटे वाले पानी में इसको, और उसके बाद जो है इसको सादे पानी से धोकर इसको अच्छी तरह पानी जो है इसका निचोड़ लें ताकि मसाले में इसका ज़्यादा पानी ना छूटे। तो मछली हमारी धुल गई है, तो अब मैं बाकी जो मसाले हैं वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने तकरीबन 2 चम्मच बेसन लिया है, ठीक है। अब मैं जो मसाले इसमें शामिल करूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमने ज़ीरा पाउडर लिया है 1/2 चाय का चम्मच, और यहाँ पर जो है काली मिर्च का पाउडर है 1/2 चाय का चम्मच, एक चम्मच जो है भर के मैंने चाय का जो है वो अदरक मिर्च का लिया है, 1 चम्मच भर के दरदरा कर लिया है मैंने साबुत धनिया, और 1 चाय का चम्मच मैंने ली है लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जो है हल्दी ली है, और 1/2 चम्मच जो है अजवाइन ली है। तो ये तमाम मसाले जो हैं मैं बेसन में शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, बेसन में शामिल कर दिए। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 2 चम्मच या 3 चम्मच जो है वो मैं सिरका डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिरका डाल दिया, और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये देखिए ये भी शामिल कर दिया। अब यहाँ पर तकरीबन 2 चाय के चम्मच या 1 खाने का चम्मच भर के जो है वो मैं सरसों का तेल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें सरसों का तेल डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब हो जाएगा, बिल्कुल बाजार वाला। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी, 3-4 चम्मच पानी डालूंगी, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूंगी। अगर आपकी फ़िश ज़्यादा है, मछली ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो आप इसको मिक्स करने के लिए दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसमें दही मिलाकर और इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। लेकिन मेरे पास जो मछली की क्वांटिटी है वो कम है, तो इसलिए मैं इसमें दही शामिल नहीं कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा पानी और शामिल करते हैं। आप सिरके की जगह नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक पतला सा पेस्ट बनाएंगे हम इसका, लेकिन बहुत पतला नहीं बनाएंगे कि वो मछली के ऊपर ठहरे ही ना। हमें जितना चाहिए होगा वो मैं आपको बताऊंगी, कंसिस्टेंसी इसकी मैं बता दूंगी आपको। थोड़ा सा और शामिल करेंगे। देखें, और बस हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। देखें ये हमारा जो पेस्ट है मछली के लिए वो तैयार है। ये देखें इस तरह का हमें पेस्ट चाहिए। अब हम जो फिश है अपनी वो इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, और साथ साथ जो है इसको हम हाथ से इस तरह अच्छा सा लगाते जाएंगे। ये देखें, इस तरह हम लगाते जाएंगे। ये देखें अच्छे तरीके से साइड पर करते जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको मसाला लगाना है। मछली का सारा जो काम है वो सिर्फ मसाले का ही है,
बाकी जो सिर्फ फ्राई होने का ही रह जाता है। तो सारा कुछ जो हमने मछली की तैयारी है वो इसकी बेस है मछली की। तो हमने फ्राई करने से पहले जो है मसाला जो तैयार करना है वो मछली को तैयार करना है, तो वो अच्छा करेंगे तो हमारी मछली जो है वो बहुत ही अच्छी फ्राई हो जाएगी, बहुत अच्छा टेस्ट होगा, बाज़ार वाला टेस्ट होगा बिल्कुल। ये जो सरसों के तेल वाली टिप मैंने आपको बताई है, ये जो है ये एक सीक्रेट टिप है जो कि ज़ाहिर है मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपीज़ देती हूँ हमेशा, आप लोग फॉलो करें इसी तरीके से तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये देखें इस तरीके से जो है तमाम मसाला मछली पे अच्छे तरीके से मल देना है आपने। ये देखें लगाना लाजमी है हर जगह पर, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, स्पेशली सरसों के तेल की खुशबू जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। ये देखें इसको साइड पे करते हैं क्योंकि इसके नीचे भी मसाला है, तो एक पीस रह गया है इसको भी मैं अच्छा सा जो है वो इस पर लेप कर देती हूँ इस मसाले का। अजवाइन और सरसों के तेल की खुशबू यकीन करें कि इतनी ज़बरदस्त आ रही है अभी से ही। आपकी अगर मछली में की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको मैंने बताया है कि आप जो है इसमें दही का इस्तेमाल कर लें पानी की जगह, और दही को इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आपका पेस्ट जो है वो बहुत ठीक है तो आप थोड़ा सा पानी डालकर उसको पतला कर सकते हैं। तो देखें जी इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम मछली को जो है वो मसाला जो है ये देखें लग गया है। अब हम इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें जो है वो रच जाए, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो 3 घंटे गुजर गए हैं मछली को मैरिनेट किए हुए, और यहाँ पर मैंने घी भी रख दिया है गर्म होने के लिए, घी हमारा हो चुका है गर्म। ठीक है, घी को फुल गर्म करने के बाद मैं इसका फ्लेम जो है वो लो कर दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं पकाना है, इस तरह मछली जो है वो अंदर तक नहीं गलेगी और ऊपर से जल जाएगी, मुझे अंदर से गलानी है मछली। तो अब मैं इसमें शामिल करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दूसरी बात यह है कि मछली फ्राई करते वक्त आप बहुत सारी गोटियाँ एकदम से मत डालें और कुछ देर तक मछली को मत छेड़ें, क्योंकि इसके टूटने का ख़तरा होता है। फ्लेम को लो करना है हमने, 3 से 4 मिनट के बाद हमने मछली को जो है वो छेड़ना है, इसको पलट देंगे। ये देखें, और बहुत एहतियात के साथ ये काम करना है आपने, क्योंकि मछली जो है वो बहुत नाजुक होती है। तमाम पीस जो है वो पलट दिए हैं हमने, और फ्लेम मुसलसल जो है वो हमारा लो पर ही है, और लो पर ही हमने रखना है इसको। एक दफ़ा फुल गर्म करने के बाद ही हमने लो पर कर दिया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे हमें इसको फ्राई करने में। अल्हम्दुलिल्लाह जी मछली हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी सी, तो हम इसको निकाल लेते हैं बहुत एहतियात के साथ। निचोड़ने के बाद घी निचोड़ लीजिएगा, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी मछली जो है वो फ्राई हुई है, बहुत ही क्रिस्पी लग रही है। ये देखिए घी सारा निचोड़ लें, फ्लेम को हमने लो ही रखना है, और हम अगले जो है वो पीस डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये वाले पीस भी हमारे तैयार हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं।
जी, तो हमारी बहुत ही क्रिस्पी किस्म की, बहुत ही मज़ेदार किस्म की फ़िश जो है ये देखें तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फ़िश तैयार हुई है, आप देख सकते हैं ये देखें बहुत ही क्रिस्पी है ये देखें। तो इसके साथ हरी चटनी है जिसमें मैंने दही मिला ली है, और हरी चटनी की रेसिपी जो है वो मैं आपको दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप लंबे अरसे के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं, मैंने इसको स्टोर किया हुआ है बनाकर, तो आप देख सकते हैं मेरी रेसिपी, मेरे चैनल पर जाएं, हरी चटनी की रेसिपी जो है वो आपको मिल जाएगी। तो इस फिश के साथ जो है वो मैंने हरी चटनी बनाई है। और एक और चीज़ आपको दिखानी है, ये देखें फूल, गुलाब का फूल, ये मेरे बच्चे लाकर क्यारियों से तोड़ के और इसको पानी में डाल के रख देते हैं किचन में मेरे पास। तो कैसी लगी है जी आज आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मेरी हर वीडियो का। इसके अलावा फीडबैक में आपने मुझे बताना है कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ, और लाइक का बटन तो आपने ज़रूर दबाना है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।